हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम उन पौधों की बात करने वाले हैं, उन प्लांट्स के बारे में जानने वाले हैं जो घर के एंट्रेंस पे या लॉन के एंट्रेंस पे, लॉन के कॉर्नर पर या बरामदे के एंट्रेंस पे लगाए जा सकते हैं और जिनको लगाने से घर की खूबसूरती को बढ़ाया जा सकता है और अपने गार्डन को और ज़्यादा खूबसूरत बनाया जा सकता है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कि कौन सी वैरायटियां हैं वो जो घर के एंट्रेंस पे लगाई जाती हैं। दोस्तों, पहली वैरायटी हमारी ये है, इसको गोल्डन साइप्रस बोलते हैं। देखिए ये पौधा, इसको गेट के एंट्रेंस पे लगाया जा सकता है, चाहे बरामदे के एंट्रेंस पे लगा लीजिए और चाहे आप लॉन के एंट्रेंस पे लगा लीजिए, कॉर्नर पे लगा लीजिए। बहुत ही अच्छी शेप इसकी बनती है। इसकी कटाई करके इसको लुक भी दे सकते हैं, शेप भी बना सकते हैं इसकी। ये देखिए गोल्डन साइप्रस का फुल साइज, ये पॉलीथीन बैग में लगा हुआ है। देखिए दोस्तों, अगर इस साइज के पौधे को आपने ज़मीन में लगाना है, गार्डन के कॉर्नर पे लगाना है, तो इसका ये बुरा जो पॉलीथीन है इसको फाड़ के आप इससे 4 इंच और ऊपर, जैसे ये बोरा हो गया, इससे 4 इंच और ऊपर यहाँ तक इसको ज़मीन में दाब सकते हैं। इसकी कटाई करके जब शेप दी जाती है तो बहुत ही प्यारा पौधा बन जाता है, गोल्डन साइप्रस इसको बोलते हैं। इसके भी काफ़ी साइज नर्सरी में आसानी से मिल जाते हैं। साइज ये है, फिर इससे छोटा ये है। देखिए दोस्तों, गोल्डन साइप्रस का एक साइज ये है और ये साइज सबसे छोटा साइज है। दोस्तों देखिए, 8 से 9 इंच का साइज है, ये 8 से 10 इंच होगा। इस साइज में ये आसानी से आपको किसी भी नर्सरी पे मिल सकता है। दोस्तों दूसरी वैरायटी ये है, इसको बोलते हैं ग्रीन साइप्रस और ये इसकी शेप गुलाई में होती है। इसकी भी कटाई करके आप इसको शेप दे सकते हैं। ये भी कई साइज में नर्सरियों में मिल जाता है आसानी से, हमेशा हरा भरा रहने वाले पौधे हैं ये। ये गेट के एंट्रेंस पे, लॉन के एंट्रेंस पे, लॉन के कॉर्नर पे इनको आसानी से लगाया जा सकता है और अच्छी शेप इनकी बन जाती है। बहुत ही अच्छा पौधा बनता है ये भी। इनके पत्ते बहुत ही मुलायम नरम पत्ते होते हैं, ये देखने में ऐसे लगते हैं जैसे चुभेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं है, बहुत नरम, एकदम नरम प्लास्टिक के जैसा इसका ये होता है। और ये साइज देखिए दोस्तों, सबसे छोटा साइज है ग्रीन साइप्रस का और बहुत अच्छा ये पौधा लगता है, बहुत ही इसको हाथ लगाने में भी बहुत अच्छा महसूस होता है, नरम नरम पत्ते हैं इसके। एंट्रेंस पे लगाने के लिए दोस्तों एक पौधा ये भी है, इसको क्रिसमस ट्री बोलते हैं, एरोकेरिया भी कई लोग इसको बोलते हैं, कई लोग क्रिसमस ट्री भी बोलते हैं। ये भी कई साइज में मिल जाता है, ये देखिए 1.5 से 2 फुट का पौधा है। इसकी शेप भी बहुत अच्छी बनती है और ये भी कांटे नहीं होते इसके, ये भी ऐसा ही होता है, इसमें कांटे नहीं है, सब पत्ते हैं। ये देखिए, ये फुल साइज है, बड़ा साइज क्रिसमस ट्री का। इसको भी गेट के एंट्रेंस पे गमले में लगा के आप इसको रख सकते हैं। और ये है दोस्तों, देखिए क्रिसमस ट्री का सबसे छोटा साइज, देखिए दोस्तों ये सारा क्रिसमस ट्री का पौधा पड़ा है, एरोकेरिया। दोस्तों इसको लगाने के बाद में एक चीज़ का ध्यान हमेशा रखना चाहिए कि इसकी कटाई नहीं होती, इसकी कटाई नहीं की जा सकती। अगर ऊपर से इसको तोड़ दिया या यहाँ से काट दिया तो यहीं से इसकी शेप ख़राब हो जाएगी,
इसलिए इसका जो सूखा पत्ता, नीचे से पत्ता जो सूख जाता है, हम उसी को तोड़ सकते हैं। और जो बिल्कुल हरा पौधा है या हरा पत्ता है, उसको नहीं तोड़ा जा सकता। अगर ऊपर से आप इसको काटोगे या तोड़ोगे तो इसकी शेप ख़राब हो जाएगी। आम गोल्डन साइप्रस और ग्रीन साइप्रस की तरह इसकी कटाई नहीं हो सकती। ज़मीन में लगाने पर तो ये काफ़ी ऊंचा हो जाता है, 15 से 20 फुट तक हो जाता है। अगर आपने इसको गार्डन में लगाना है तो ऐसी जगह लगाइए जहाँ ये आपको दोबारा इसको उखाड़ना ना पड़े, क्योंकि इसकी हाइट बाद में बहुत ज़्यादा हो जाती है। गमले में लगा के रखने पर इसको जैसे डेढ़ फुट वाला साइज, 1.5-2 फुट वाला जो साइज है, इसको 12 इंच के पॉट में लगाइए। 3-4 साल तक ये बड़े आराम से उस पॉट में चल जाएगा। फिर इसकी रीपॉटिंग कर दीजिए, गमला चेंज कर दीजिए, पॉट इसको बड़ा लगा दीजिए, 15 इंच का लगा दीजिए, तो फिर उसमें ये चल जाएगा, 3-4 साल और चल जाएगा। इसी तरीके से गमले का साइज बदलते रहिए, और जिससे ये 10-12 साल तक बड़े आराम से गमले में लगाया जा सकता है। जब ये ज़्यादा ऊंचा हो जाता है तब इसकी शेप अच्छी नहीं लगती है। जब ये ज़्यादा ऊंचा हो जाता है, 15-20 फुट का हो जाता है, तो नीचे से खाली खाली सिर्फ ऊपर ही से इसकी सजावट होती है। तो इसलिए जब तक ये 5 फुट हाइट तक ये रहता है, 5 से 7 फुट की हाइट तक रहता है, तब तक ये अच्छा लगता है। तो दोस्तों, हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।